नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के अधीन आते गांव पंधेर कला में नशे में धुत नौजवान ने माता पिता का किया कत्ल, पुलिस ने किया काबू। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने लूटपाट व चोरी करने के दो मामलों में 6 आरोपियों को किया काबू, 2 कारें एक मोटरसाइकिल किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के मजीठा क्षेत्र के अधीन आते गांव पंधेर कला में एक नौजवान द्वारा नशे की हालत में अपनी माता और पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतकों के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि गांव में विवाह था और लड़के ने शराब ज्यादा पी ली थी। उसके माता पिता उसे घर आने के लिए कह रहे थे। इस बात से गुस्साए बेटे ने आपा खोकर माता पिता को तीखे सरिये से वार कर मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि माता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतक देहों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये जी अपना है ना, भी वो पैके पुके लगा ही जबान ही मड़ी हुई तो क्यों फिर नशे दे लोर च ने फिर ये काम करता उन्हें। ये जी सरिया दस दे भी सरिया है को क्यों ये दूजा जला लिया कि जिन्हें माँ प्यो ने मारिया फिर वो पुत थोड़ा आया कोई पता ये नशे दे लोर नहीं कि होया नहीं देने इस तरह काम नहीं कर देता। नहीं झगड़े वाली गल कोई नहीं, उतना जबान माड़ी नहीं जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਤਨੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਪੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੰਡਰਡ ਬੜੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੈਸ਼ ਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੈਸ਼ ਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਫਾਦਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁੱਖਦਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਭਤੀਆ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ 5:15 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बुरे तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब कार चोरी करने वाले आरोपियों को काबू किया गया। इस दौरान पुलिस ने लूटी गई
कार को कुछ ही घंटों में बरामद कर लूट करने वाले आरोपियों को भी काबू कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर खोसा ने बताया कि शिकायतकर्ता अंकुश शर्मा के बयानों पर थाना रंजीत एवेन्यू में कार की लूट का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हर पहलू से जांच करते हुए कार लूटने वाले चारों आरोपियों को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई कार, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद किया है। वहीं एक और मामले में थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को चोरी शुदा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और अर्शदीप सिंह, दोनों निवासी गांव मेहंदी कला के तौर पर हुई है। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये नौजवान खुद भी नशे की हालत में सी, तो सुबह आके सानू जो सारी कहानी दसदा तो साढ़े एस एच ओ रंजीत एवेन्यू तो इन्होंने टीम वालों बड़ी ही मेहनत के नाल 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने ये जो केस बड़ी सेंसेशनल केस सीगा जो कि रात को गड्डी खो हुई सी 24 घंटे उन्होंने दोषी ट्रेस कर ले सी। ते अगले 24 घंटे के असी हम 5 दोषियों चो 4 दोषी अरैसट कर चुके हैं। जिस गड्डी नाल खो की वारदात की गई सी वह गड्डी भी रिकवर हो गई है, जो कि किया सेल्टोस गड्डी है, तो जिस नाल गड्डी नाल वारदात की सी दिल्ली नंबर स्विफ्ट डिजायर सी वह भी रिकवर हो गई है। इस तो अलावा वारदात के दौरान इन्होंने दोषी का जो मोबाइल फोन से आईफोन 11 प्रो उस भी उस तो खोया सी, ते वो फोन भी रिकवर कर लिया गया। तो दोषियों के खिलाफ असी FIR नंबर 230 अधीन धारा 379 B2 दर्ज की है, जो ये तार चारे दोषी ने। इन्हों का नाम साहिल गिल जो कि कोट खालसा का रहने वाला वा, गुरप्रीत सिंह जो कि रामनगर कलोनी इस्लामाबाद का रहने वाला, जशनप्रीत सिंह कोट खालसा का रहने वाला, राजनदीप सिंह लोहारका कला हाल अमृतसर का रहने वाला वा, तो ये चारे दोषी अरैसट हो चुके हैं। तो पांचवा दोषी बबल जो कि इस्लामाबाद का रहने वाला वो हजे पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है, उसनु रेस्ट कर ली, हर तरह दे पुलिस वालों रेड्स किए जा रहे हैं। फिरोजपुर के गांव उगो के रहने वाले एक लड़के का मनीला में कत्ल हो जाने का मामला सामने आया है, तो वहीं इस घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनका बेटा रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गया था और वहां पर फाइनेंस का काम करता था, जिसका कत्ल कर दिया गया है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों ने पंजाब सरकार से उनके बेटे के शव को भारत लाने की और उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। रोटी को घरों कर ले आई गई तो थे गोलियां मार के मारता जी। था की काम उठे की कर रहा सी फ्रेंड्स दा काम सी। ता तानू किवें पता लग गया? ओ तो टई दी फोन आया, पता लग गया कुड़ी नु विदेश वह आपदा रोजी रोटी वास्ते गया सी, ते उदा कल 9 बजे कतल हो गया। सर की कतल का की कारण कोई दसा जा रहा है? कतल का कोई कारण नहीं, सानू एक दिन परसों मेरे ना साढ़े परिवार ना गल की, आंदा चाचा इत्थे कोई नहीं कोई खतरे वाली गल, जिथे साडा एक होर बच्चा रहिंदा उत्थे बड़ा खतरा, कहते इतने नहीं। तो कल सानू ये फोन आ गया भी उहदा कतल हो गया। मंग असी प्रशासन तो भारत सरकार तो यही मंग करते हैं भी वो डेड बॉडी लियान साड़ी सहायता हो करे, साडे असी जो भी आपके बच्चे की अंतम रस्म आपके घर कर सकी। डायमंड बॉक्सिंग अकादमी जालंधर छावनी के खिलाड़ियों ने रांची झारखंड में करवाए गए स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में एक गोल्ड तथा एक सिल्वर मेडल जीतकर पंजाब का नाम रोशन किया है। विजेता खिलाड़ियों में शिमोन ने गोल्ड तथा रुबैन ने सिल्वर मेडल जीतकर अपने माँ बाप तथा अकादमी का नाम रोशन किया। तो वहीं अकादमी के कोच तरुण गोयल ने बताया कि इन दोनों खिलाड़ियों की जीत के अलावा बठिंडा में हुई खेडा वतन पंजाब दियां में अकादमी की खिलाड़ी दानिका सहोता ने गोल्ड तथा जीरा में हुई स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में अर्शिया सचदेवा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। चारों खिलाड़ियों का जालंधर पहुंचने पर स्वागत किया गया और अकादमी ग्राउंड में बाकी खिलाड़ियों तथा उनके अभिभावकों द्वारा कार्यक्रम कर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कोच तरुण गोयल, संजय कुमार, रिंकू जैन, भारत सहोता,
संदीप शर्मा तथा गौतम सचदेवा द्वारा बच्चों का सम्मान भी किया गया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। दिवाली के धमाकों के बीच में आज हमारी डायमंड बॉक्सिंग एकेडमी जो कि पिछले 2 सालों से कार्यरत है, उसके अपनी जीत के परचम में इन्होंने आज नए माइलस्टोन सेट किए हैं, जिसका अवेरवा आपको एकेडमी के कोच तरुण गोयल जी देंगे। नमस्कार जी, जय हिंद। आज बहुत खुशी का दिन है कि डायमंड बॉक्सिंग एकेडमी के 2 बच्चों ने नेशनल स्कूल नेशनल चैम्पियनशिप जो कि रांची में झारखंड में हुई, उसमें एकेडमी के दोनों बच्चों ने शिवेन और रिबोन ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया और एकेडमी की शोभा को बढ़ाया, और जिसमें हमारे 2 बच्चे बठिंडा में स्टेट हुई थी खेड़ा वतन पंजाब दिया, उसमें एक हमारी लड़की दानिका सोहता जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और एक अर्शिया ने जो कि डिस्ट्रिक्ट में उन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो बहुत खुशी की बात है, हम ऐसे ही चाहते हैं कि एकेडमी में ऐसी ही खुशियां आती रहें और स्पोर्ट्समैन बढ़ चढ़ कर स्पोर्ट्स को उठाए और मेहनत करें, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा नाम रुबीन रिचर्ड है। मेरा नाम शिमोन है। हम दोनों नेशनल खेलने गए थे रांची में जो झारखंड, और मैंने वहाँ पर सिल्वर मेडल लिया है और मेरा गोल्ड है वहाँ पे। और हमारे हम थैंक्स करते हैं अपने पेरेंट्स का और अपने कोच सर का कि उन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है और हमें ये मेडल दिलाए हैं। अजनाला के गांव सहसरा कला की रहने वाली पलविंदर कौर ने रोजी रोटी की खातिर घर को बढ़िया बनाने का सपना लेकर और बच्चों की पढ़ाई की खातिर दुबई जाना था, लेकिन एजेंट द्वारा उसे दुबई की जगह मस्कट के उमान इलाके में भेज दिया गया, जहां पर जाकर पलविंदर कौर ने फोन के माध्यम से परिवार को पूरी सच्चाई से अवगत करवाया और रो रो कर अपना दर्द बयान किया। उसने कहा कि उसने 20% ब्याज पर पैसे लेकर 80,000 रुपये देकर विदेश गई थी। एजेंट द्वारा उसे महीने का 25,000 से 30,000 रुपये वेतन देने के लिए कहा गया था, लेकिन वहां पर 6 महीने रहने के बाद भी उसे कोई वेतन नहीं दिया गया और ना ही उसे रोजी रोटी दी गई। उसने बताया कि उसके साथ मारपीट भी की जाती थी और कई कई दिन उसे भूखा रखा जाता था, जिसके बाद गांव के नौजवान तजविंदर रंधावा जो कि हेल्पिंग हैंड संस्था का सदस्य भी है, उसने गांव के नौजवानों की मदद से पलविंदर कौर से बात कर उसकी टिकट का इंतजाम कर उसे वापस पंजाब लाया और अब पलविंदर कौर अपने परिवार और अपने बच्चों में बेहद खुश है। उसके आने की खुशी में लड्डू बांटे गए। पलविंदर कौर ने बताया कि वह अकेली औरत नहीं है जो कि अरब देशों में फंसी है, वहां पर और भी कई पंजाबी लड़कियां और महिलाएं हैं जो कि वहां फंसी हुई हैं। तो वहीं उसने गांव के नौजवानों का आभार भी व्यक्त किया जिन्होंने उसे सही सलामत ओमान से पंजाब वापस लाया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाम पलविंदर कौर, पिंड सैंसरा पत्तीपुरा। मैनू इत्थे जा लै गए सी दुबई तो मैनू ओमान विच कर लै गए सी, कदी किते लै जांदे, 4 ऑफिस बदले सी, इत्थे कहिंदे इत्थे काम मिल जू, कहिंदे इत्थे मिल जूगा, पर काम नहीं सी देंदे, रूम विच बंद करके रखदे सी। जिथे उन्हें मैनू काम ते भेजा सी ओह मार दे कोट दे सी, रोटी नहीं सी देंदे, चाह नहीं देंदे, सारी सारी रात काम ते ला छड्डदे सी, रेस्ट एक टाइम नहीं सी हैगी। तो मैं तो यही कहनी भी जिहड़ियां भैणां मेरे वर्गियां बीबियां भैणां कोई ना जावे, उत्थे इस तरह के हालात होंदे आ, पुछदे गिछदे नहीं, मारदे कुटदे आ, काम घर दे काम च गई सी, कुकिंग दे काम च, पैसा कोई नहीं सी, पैसा 70,000 रुपये लगे सी। तो मैनूं एजेंट ने कहा सी मैनूं बाद च विच पैसे होर देने जदों काम ते लग जाएंगी। मैं कहा ठीक आ। हांजी 25 भैणां फसियां जो मजबूरी मेरी घर वास्ते, मैं अपने बच्चों नूं पढ़ाऊंगी, मैं अपना घर चंगा बनाऊंगी, मैं इन्हां वास्ते गई सा, पर मैनूं ये नहीं सी पता अगो ये हाल होने आ। किन्ना चिर पहला गए? 6 महीने हो गए आ, जून च गई सा, जून दी 7। एजेंट नूं किदां जानदे हो तुसीं जिहड़े थ्रू गए सी? एजेंट नूं मैं उत्थे काम शहर करदी सा, एजेंट नूं मैं उत्थे जानदी सा, वह मेरे लागे ही रहिंदी सी, उहने मेरे नाल गल कीती सी। राज कौर कचहरी रहिंदी आ रानिक बाग। मैनू गुरविंदर भाजी लियाए, गुरबाज भाजी लियाए आ। बहुत ज्यादा तसीहे दिते आ। एक कुछ दिन पहला मैनू भैन का पता लगा सीगा, ये मेरे नाल दे पिंड तो ही आ,
ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੈਂਸਰੇ ਤੋਂ ਆ ਪੱਤੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ, ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਕਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨਾਲ, ਦੋ ਏਜੰਟ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੂਗੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪਾਲ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਪਿੰਗਲਾ ਘਰ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂੰ ਵੀ ਜੀਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਬੁਝਤੇ ਦੀਏ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਨੇ ਕੀ ਹੈ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਗਰ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਕੋ ਤੋ ਨਦੀ ਬਣਕਰ ਦੇਖੀਏ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਗਲਾ ਘਰ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਉਜਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਵਹਾਂ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਾਂਟੇ, ਸਭੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ, ਹਰ ਤਰਫ ਉਜਾਲਾ ਰਹੇ, ਇਸੀ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕਾ ਦੀਆ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਕਰ ਜਲਾਇਆ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ ਕੰਬਲ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈੱਨ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਫਲ ਆਦਿ ਬਾਂਟੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਦੀਏ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਉਜਾਲਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਨੇਹ ਕੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨੰਨੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਉਜਾਲਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੋ ਆਪਣੇਪਨ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋਏ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕਾ ਯਹ ਮੰਗਲਮਈ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀਓ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਆਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੇ ਆਪਸੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੇ ਆਪਸੇ, ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਿ ਹਰ ਦੀਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਗੇ ਆਪਸੇ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗਲ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਪ ਸਭਕੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪ ਸਭਕੇ ਕਦਮ ਚੂਮੇ ਔਰ ਹਰ ਆਪ ਸਭਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਪ ਸਭਕੋ। दीपावली का जो पर्व है हर साल की तरह इस बार भी हम पिंगला कर मनाने आए हैं अपने इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये लोग प्रेम प्यार और अपनेपन के भूखे हैं, और इसलिए सेंट सोल्जर जो है हर वर्ष हमेशा दीपावली होली हर त्यौहार इनके साथ मनाता है। तो आओ क्यों ना इन बच्चों को दीपावली के अवसर पर इतना कुछ दें, क्योंकि दीपावली का मकसद जो है वो दिया है, दिया जो है वो सिर्फ देने के लिए है, वो रोशनी बिखेरता है, तो हम प्यार प्रेम और प्यार से अपनी रोशनी बिखेरें और इन सबको अपनाते हुए एक नए सुंदर भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।
आने वाली पंजाबी फिल्म गुड़िया की स्टार कास्ट सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान पूरी टीम ने गुरु घर में माथा टेक वाहेगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कलाकार युवराज हंस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे वाहेगुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। उनकी नई पंजाबी फिल्म गुड़िया आ रही है, जो कि 24 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। वे अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वे अपने परिवार सहित अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखें। उन्होंने बताया कि ये फिल्म अधिकतर अमृतसर में शूट की गई है और वाहेगुरु जी के घर से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो वहीं फिल्म की हेरोइन सावंत रूपावली ने कहा कि वे खुद अमृतसर की रहने वाली है और वे इस फिल्म में गुड़िया का किरदार निभा रही हैं और वे वाहेगुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचे हैं कि उनकी फिल्म अच्छी चले। उन्होंने कहा कि अमृतसर शहर से उन्हें बहुत ही प्यार और मोहब्बत मिली है और आगे भी मिलती रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बाबा जी तो आशीर्वाद लेना आए हैं, सब सही होवे, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश होंदी है कि कोई भी चज का काम करना या शुभ दिहाड़ा हो या कोई भी अपनी खुशियां का दिन हो, तो बाबा जी का आशीर्वाद लैके उन्होंने मत्था टेक के उस चीज़ में शुरू करना चाहिए। सो अज असी अमृतसर साहब आए थे तो बाबा जी की ब्लैसिंग बहुत जरूरी से वो लैन आए। बस मैं यही कहूँगा जी, 24 तरीक न रिलीज़ हो रही है फिल्म गुड़िया 24 नवंबर न, सो सारे जाने जरूर जाओ। और पहली पंजाब की हॉरर मूवी है जी, यह पहली पंजाबी हॉरर मूवी, सो तुसी सारे जाने जाओ और पूरा परिवार नू लेके जाओ, पूरे परिवार नू, क्योंकि आई एम श्योर थानू सारा नू और थोड़े परिवार नू जरूर पसंद आएगी। बहुत खुश हाँ, थोड़ी इमोशनल भी हाँ कि सब कुछ वधिया होवे। ते अमृतसर तो मेरा खुद का शहर है, सो बहुत प्यार मोहब्बत हमेशा शहर तो मिलता है। माँ बंगला मुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान बलजिंदर सिंह सेसा परिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाईं। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि मनुष्य के वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल जहां जन्म जन्मांतर में प्राप्त होते रहते हैं, वहां उनमें से कुछ कर्मों के फल वर्तमान जन्म में भी प्राप्त हुआ करते हैं। इस नियम के अनुसार आयु अर्थात जीवन काल आगे पीछे रह सकता है। इसी भांति सुख दुख का जो परिणाम इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित होकर आया है, उसमें भी कर्म अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने कर्मों के मुताबिक फल मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से इंसान के पाप धुल जाते हैं, इसलिए जीवन में जितना हो सके समाज सेवा के कार्य करने चाहिए। इस अवसर पर श्रीकंठ जज राकेश प्रभाकर, मुनीश शर्मा, किशोर शर्मा, जोगिंदर सिंह, विपन, सुमित, करण, अमनदीप सिंह, करणवीर सिंह, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, रिंकू सैनी, गौरी शर्मा, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय, बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, राहुल धीर, बलदेव राज, विनोद खन्ना, दिशांत शर्मा, अभिलक्षे चुग, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, उदय, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश, केहर सिंह, प्रदीप शर्मा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ
और मेरा कारोबार भी, मेरा घर परिवार भी प्रफुल्लित होवे, समाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और जिहड़ा भी मानसिक तौर पर मेरिया कोई भी त्रुटियां हैं उन्होंने उत्ते मेहर भरे हाथ रखो, बख्शिश करो, वो सब त्रुटियां मेरे तो दूर होन। ये भाव के नाल मैं आप जी के चरणों के विच ये पुष्प अर्पित कर रहा। बेनती करना चाहवागा कि जेड़े भगत दिवाली के उपर अपने विशेष हवन यज्ञ करवाना चाहते हैं है, वो अपना अपना टाइम स्लॉट और अपना जोड़ा सारा वो सिस्टम जोड़ा लैके जा कि उन्होंने जोड़ा हवन यज्ञ के कोई भी जोड़ा वो कमी पेशी ना आए और उन्होंने लोड़ी समगरी जी मंगाई जा सके। इतने नाल भी कहना चाहते हैं कि जोड़ा 19 तरीक न महामाई जी है अपने वृंदा देवी जी उन्हों का जोड़ा अपना विवाह संपन्न किया जाएगा ते वो सारे भगतों को बेनती की जाती है कि सारे भगत जिहड़े उन्हां दे विवाह दे विच शामिल होण और प्रभु दा आशीर्वाद लैण। अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदगंज में बाबा दीप सिंह जी का शहीदी पर्व 15 नवंबर को बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह संगतों के सहयोग से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये दिवस बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सेवक जत्था इशनान, श्रोमणी गतका अखाड़ा और समूह संगतों की ओर से गुरुद्वारा साहिब के गुंडा की इशनान सेवा शुरू की गई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रोमणी गतका अखाड़ा के नेता सुखवंत सिंह बिट्टू ने बताया कि बाबा दीप सिंह जी का शहीदी पर्व 15 नवंबर को आ रहा है और श्रोमणी कमेटी के सहयोग से यहां पर जो कार्य चल रहे हैं और बाबा जी के दरबार की सेवा चल रही है, पिछले 40 वर्षों से संगत के सहयोग से श्रोमणी गतका अखाड़े वाले सिंह और सेवक जत्था इशनान वाले सिंह मिलकर ये सेवा करते हैं और बाबा जी के घर से खुशियां प्राप्त करते हैं। उन्होंने सभी सिख जथेबंदियों और सिख संगतों से बढ़ चढ़कर इस सेवा में भाग लेने की अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी का 15 नवंबर को शहीदी दिहाड़ा आ रहा, वो संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग न सारे कार्य होंगे जड़े होंगे जो सेवा भी चल रही है जो भी कोई कार्य हो रहे हैं। यह हर साल बुंदा की सेवा पिछले 40-50 साल तो सारी संगत श्रोमणी गतके अखाड़े वाले सिंह सेवक जता इशनान दे सिंह अमृत वेले सारे रल मिल के मारे के तरसन वाली सेवा गुरु साहब सेवा लेंदे ने ते सेवा करते हैं सारे रल मिल के खुशियां लुट रहे हैं। ये हुण 15 नवंबर बाबा जी का दिहाड़ा आ रहा तो सारे रल मिल के आ के सेवा लुटो, कीर्तन दरबारों च हाजरियाँ भरो। तो एक संगतान अं बड़ी पुरजोर बेनती करने चाहते हैं कि जी रात को सर्फ की सेवा होंगी है वो सर्फ बड़ा जरा सोच समय के रोड़िया जाए एक एक जगह पर पंजा पैक रोड़ देंगे ने तो इन्ना को रुड़ जाता सर्फ के मैं कहना घटो घट 10 धियां के विह हो जाए। इस गल का ख्याल रखना चाहिए कि जरा सर्फ है ना उस हिसाब न रोड़े जाए नहीं तो जल भी बड़ा लगता है तो पानी तो तुम पता अगर धरती का थले थले जा चुका पानी बहुत नीवा जाग चुका तो पानी बड़ी वेस्टड होंगी है तो सर्फ में जरा सोच समय के रोड़े जाए तो बाकी सब बहुत बहुत है कि आन सारे सेवा करन ते सेवा दे हथी मारे ने कहा बिना सेवा तेरे हाथ पैर होर नहीं फुल करनी बिना बिना हथा तो सेवा जी हथी सेवा सब तो वो प्रवान है बाकी मायाली सेवा भी प्रवान है पर जी हथी सेवा परमेश्वर ने पहल दी है हथी सेवा करो बिना सेवा तेरे हाथ पैर कहते कोड़े ने वो किसी काम के नहीं जिन्हें हथ ने सेवा नहीं की हथी सेवा करो कहते सारा कुछ प्राप्त हो जाए। बस यही कहना चाहते सारे मिलजुल के रहो प्यार ना रहो इतफाक रखो आप लड़ो झगड़ो ना बस यही कहना चाहते हैं। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहूतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवश्राम सिकंदर,
अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, इकबाल सिंह, बिनी वोरा, मोहित जैन, मोहित गांधी, यशिक कालिया, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर, नीलम वोरा, अमरजीत कौर, ममता, रेनू कालिया, रेनू, उषा देवी, मीनू शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। धनतेरस, हनुमान जयंती, दीपावली और भैया दूज की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आप हमेशा रिद्धियों सिद्धियों से भरे रहो। आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी बड़ा कोई दुखदायी जो घटना ना हो, ऐसी माँ भगवती से अरदास करते हुए आज का जो हवन यज्ञ शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज दो बहुत अच्छे योग है। एक तो माँ भगवती का, माँ भगवतमुखी का यज्ञ है और दूसरा आज एकादशी है। सबसे पहले इस धरातल पर जब माँ बगलामुखी का उद्धार हुआ था, माँ बगलामुखी अवतार लेकर इस धरातल पर आई थी, तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने उनका नाम स्मरण किया था। इसलिए आज दोनों का जो संयोग बना है, ये आपके लिए भी बहुत ही लाभकारी रहेगा। और आज के दिन आपने घर में कोशिश करनी कि एक मारा कम से कम इस मंत्र का पाठ जो है वो शाम को जरूर करना है। बड़ी मशहूर कहावत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। इस बात को साबित किया है होशियारपुर की मशहूर मिठाई की दुकान दिलबाग की बर्फी ने, जो कि देश विदेश में सप्लाई होती है और लोग बड़े ही शौक से इसे खाते हैं। पर जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखबीर सिंह की ओर से दुकान की चेकिंग की गई, तो पूरी फूड टीम देखकर हैरान रह गई, क्योंकि रसोई में ही शौचालय बना हुआ था जो गंदगी से भरा हुआ था, जिसे देखकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से बर्फी के दो सैंपल भरे गए और अनहाइजीन का चालान भी काटा गया। तो वहीं दुकान मालिक को 7 दिन का समय देकर जहां से शौचालय को हटाने और साफ सफाई के लिए कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। अज कमिश्नर फूड एंड ड्रग पंजाब जी के जोड़े हुक्म प्राप्त होया बेस्ड स्वीट जहाँ लैन दे इंश्योर करना भी जोड़ा खोया है क्या वो क्वालिटी जी है फूड सेफ्टी के मुताबिक खरी उतरती है वो चैक कर ली। और जी ये किचन वर्कशॉप है वो भी देखा है कि हालात किचन है वर्कशॉप इन देखिया कोई जोड़े गियर है फूड सेफ्टी मेजर लेने चाहिए आ किसी वर्कर ने नहीं ले हुए। तो जोड़ा पिछली बारी भी 2 साल पहला मैं इतने सैंपल 1.5 साल लगभग लिया से उदो मैं जाले बड़े लमकते ही 2-2 फुट थले तो मैं कह भाप न स्टीम ना भारे होकर डिग जाने बेच तो वो गल पुरानी हो गई। इन्होंने शीट लवा ली चलो उत्तर अच्छा किया बट अजे भी बहुत कमियां आ सुधार की बड़ी लोड़ है। तो अनहाइजीन का चलान जोड़ा वो घर चले आ फूड सेफ्टी अफसर ने कहा आता कि ये अगे तो मैं लगता कि जिन्ना चर कोई स्टैप ना लीए सख्त तो असर भी नहीं होंगे। रोज़ अवेयरनैस दे सोशल मीडिया से सब कुछ चल रहा है पर फिर भी कई बार बंद लगता साढ़े कि आना कि नाले मेरे हमने जिदा कह रहे कि पवा देंगे सारा कुछ असं कर देंगे ठीक ठाक। मैं यही कहना यार असी कोई किसी को तंग परेशान नहीं जो करते अभी फूड सेफ्टी जेड़े आ वो जेड़े फूड सेफ्टी वास्ते स्टैंडर्ड वास्ते जेड़े आप मेजर लेने आ इस डर करके नहीं लैना भी फूड सेफ्टी टीम साढ़े आ जाऊगी डर करके थोड़ा करना वो
इस करके करना कि अंदरों भी ये चीज़ की जरूरत है सोना शबाश और स्टैंडर्ड का म्यारी फूड देने लिए। मैं मेरी फूड सेफ्टी टीम अज इतने बड़ी नामी ग्रामी स्वीट शॉप से बैठे हैं जिंदी बर्फी फॉरन च भी जाती है बड़ी तो लोग खाते चावान तो फॉरन च भी जहाजा च जाती है उधर जिदा तुम गुराया की बर्फी भी देखी है। तो परपज़ यह आज कमिश्नर फूड एंड ड्रग पंजाब श्री अवनल त्रिखा जी के ऑर्डर होए आ उन्होंने हुक्मों की पालना करते असं अभी खोया बेस्ड जी स्वीट है उन्होंने सैंपल लै रहे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के अधीन आते गांव पंधेर कला में नशे में धुत नौजवान ने माता पिता का किया कत्ल, पुलिस ने किया काबू। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने लूटपाट व चोरी करने के दो मामलों में 6 आरोपियों को किया काबू, 2 कारें एक मोटरसाइकिल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।